हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है, लेकिन एक बात जो फैंस को पता नहीं होगी वो ये है कि कुछ सुपरहिट फिल्में कोरिया से कॉपी की गई है। अपने क्रॉस कल्चर व्यू के लिए यहाँ 7 ऐसी मूवीज हैं जो कोरिया से कॉपी की गई है। पहले नंबर पे है द मैन फ्रॉम नोवेयर रीमेक रॉकी हैंडसम। रॉकी हैंडसम द एक्शन क्लासिक द मैन फ्रॉम नोवेयर की क्लासिक रीमेक है। मूवी में हीरो एक रशियन आदमी है जो कि पॉन शॉप का ओनर है। वो एक छोटी सी बच्ची के साथ रिश्ता बना लेता है जिसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट होती है। आगे उसकी माँ मारी जाती है और उस बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है। तो हीरो उसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके खुद की पत्नी और बेटी मारे गए होते हैं बहुत पहले, जब वो एक सीक्रेट एजेंट होता है। कहानी के अलावा मूवीज के सीन्स भी एक जैसे ही है। फाइटिंग सीक्वेंसेस, इमोशनल स्ट्रेस, सब कुछ कॉपी किया गया है। दूसरे नंबर पे है आई सॉ द डेविल रीमेक एक विलन। दोनों फिल्मों में एक ही कहानी दोहराई गई है। एक विलन को देख चुके लोग मूवी की कहानी जानते ही होंगे कि कैसे एक साइकोपैथिक मेनियक फीमेल लीड रोल को मार देता है जब वो अपने फियांसे से बात कर रही होती है, और फिर कैसे उसका फियांसे बदला लेता है उस पागल आदमी को बहरेमी से मार के। एक विलन का तो पता नहीं, लेकिन आई सॉ द डेविल एक हॉरर थ्रिलर थीम्ड मूवी है जिसे अपनी स्टोरी और डायरेक्शन के लिए बाइकसंग आर्ट्स अवार्ड दिया गया था, जिसका मतलब है मूवी क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी। तीसरे नंबर पे है ओल्ड बॉय रीमेक जिंदा। जिंदा 2006 की मूवी है। ये मूवी एक एग्जांपल है बिना परमिशन के बहुत अधिक इंस्पिरेशन लेने का। मूवी में एक आदमी को कमरे में 14 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। शायद कोरिया वालों ने 14 साल के वनवास से ये आइडिया चुराया होगा। एनीवे, जब वो आदमी बाहर आता है तो वो एक महिला से मिलता है जो कि उसकी मदद करती है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड को ढूंढने में। आगे उसे पता चलता है कि उसने कई साल पहले कुछ बुरा किया था जिसके लिए उसे ये सजा दी गई। ये अलग बात है कि बॉलीवुड मूवीज इन द कॉपी की गई है कोरियन मूवी द ओल्ड बॉय से, लेकिन फैक्ट ये भी है कि ओल्ड बॉय भी इंस्पायर्ड है एक जापानीज मूवी से। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मूवी बोरिंग है। मजेदार बात यह है कि जिंदा मूवी के डायरेक्टर को इस मूवी के लिए काफी कुछ सुनने को मिला था। चौथे नंबर पे है 7 डेज विच बिकम्स जज्बा। फ्रेंड्स, शायद आपको याद नहीं होगा 2015 में ऐश्वर्या राय बच्चन की एक मूवी आई थी जज्बा, जो कि बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। ये फिल्म कोरियन फिल्म 7 डेज से काफी हद तक इंस्पायर्ड है। दोनों मूवी की कहानी में एक्ट्रेस सिंगल मॉम और एक सक्सेसफुल लॉयर भी है। मूवी की कहानी में उसकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और अपनी बेटी को बचाने के बदला उन्हें एक क्रिमिनल का केस डिफेंड करना होता है। ये दोनों मूवी इतनी हद तक सिमिलर है कि इनकी ड्रेसेस भी एक जैसी हैं। पांचवे नंबर पे है माय से गर्ल बिकम्स अगली और पगली। अगली और पगली, ये टाइटल सुना सुना सा लगता है। वेल, ये एक बॉलीवुड मूवी है जो की साल 2008 में आई थी। एक बार फिर से बॉलीवुड ऑल टाइम कॉमेडी प्लस रोमांटिक मूवी में माय सेक्सी गर्ल से कॉपी करने की सोची और नतीजे में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दोनों मूवी की कहानी में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक सिर्फ ही लड़की से मिलती है जो कि उन्हें प्यार के चक्कर में उल्टे पुल्टे काम करवाती है। ऐसा नहीं है कि अगली और पगली एक वर्थलेस मूवी थी, के बजाय इंडियन ऑडियंस शायद इस टाइप के जनरे के लिए उस समय तैयार नहीं थी। वेल, जिस किसी ने भी माय सेक्सी गर्ल मूवी नहीं देखी, मैं उन्हें ये मूवी हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। छठे नंबर पे है आवारापन इमरान हाशमी स्टेरिंग। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट थी और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया था, लेकिन आप सबको ये जान के धक्का लगेगा कि इतनी क्लासिक मूवी भी कॉपीड है कोरियन मूवी अ बिटर स्वीट लाइफ से। क्रिटिक्स के मुताबिक कोरियन वर्जन में कहानी और एक्टिंग उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, वहीं इंडियन वर्जन में डायरेक्शन प्लस विलन दोनों तगड़े थे। अब अंत में सातवें नंबर पे है इमरान हाशमी की एक और मूवी मर्डर 2। इनफैक्ट मर्डर की पूरी सीरीज ही नॉन बॉलीवुड मूवी से कॉपीड है, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस मर्डर 2 पर है जो की कोरियन मूवी द चेजर से कॉपी की गई है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों मूवी की सिमिलैरिटीज के बारे में। दोनों ही मूवी में मेल लीड एक एक्स पुलिस ऑफिसर होता है और फीमेल लीड कास्ट एक प्रोस्टिट्यूट होती है। टीजर जो कि क्राइम थ्रिलर है, वही डायरेक्टर्स आवारापन बॉलीवुड मसाला डाल के उसे रोमांटिक थ्रिलर कर दिया। वेल, मूवी ब्लॉकबस्टर रही और बॉलीवुड ऑडियंस को कुछ अच्छा देखने को मिला कोरियन मूवीज के बदौलत। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक ऑन वीडियो। थैंक यू गाइज।